वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस टॉपिक का नाम है स्टार्ट बिजनेस विथ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। तो इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी पैसिव इनकम पे, जिसमें मैंने अमेज़ॉन के कुछ बिज़नेस होलसेल मॉडल और प्राइवेट लेबल के बारे में बात की थी। लेकिन आज मैं जिस मॉडल के हवाले से बात करने जा रहा हूँ वो है दराज सेलिंग। दराज सेलिंग एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से अपना एक बिज़नेस पूरा रन कर सकते हैं और इस पर काफ़ी एक्सपेंशन भी पॉसिबिलिटी है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप एक बिज़नेस को जनरेट करें, एक इनकम जनरेट करें, तो आप कुछ भी ना करें, आप सबसे पहले जाएं दराज सेलर सेंट्रल की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे एक अपना अकाउंट रजिस्टर करें और अपने आसपास जो भी एरियाज में आप रहते हैं उस वहाँ पर आप देखें कि जो लोकल आपके प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हैं, उनको दराज पे आप बआसानी सेल कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अपना अर्न कर सकते हैं हर मंथ एंड पर। और बहुत इजी है, दराज सेलर सेंट्रल में भी दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो मॉल का ऑप्शन है और एक है रेगुलर जो वेंडर्स होते हैं, जो रेगुलर रिटेलर्स होते हैं। मॉल के लिए तो आपको पूरी एक ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ब्रांड अथॉरिटी लेटर आपको बनवाना पड़ेगा, फिर आपको एज अ ब्रांड लॉन्च करना पड़ेगा, तो उसमें तो आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी ज़ाहिर है। लेकिन अगर आप लोकली नॉर्मल एक स्टोर आप जनरेट कर लेते हैं, बना लेते हैं और आप उस पर जो है वो कोई भी दो तीन चार पाँच प्रोडक्ट्स आप लॉन्च कर देते हैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और लोकल जितनी कस्टमाइज प्रोडक्ट होगी आपकी उतना ही आपकी सेलिंग के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं कस्टमाइजेशन, और इसमें फिर कंपटीशन ख़त्म हो जाता है और आपका जो रेवेन्यू होता है वो अच्छा जनरेट होता है। लेकिन ये ख्याल रखें कि जो दराज पे जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हों उनमें कंपटीशन कम हो, प्रॉफिट मार्जिन हो। तो बाकी आपकी अपनी रिसर्च होगी, आप देखें उसको। मैं एक आइडिया लेकर आया था तो मैंने आपसे शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।